हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम लोग मोस्ट वांटेड सीरीज में अब पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें से हम लोग अब पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन। देखिए, फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने किया और आपको अभी समझ में आ गया है कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, और वो जब अपना फूड बनाते हैं तो उस टाइम पे वो सनलाइट से एनर्जी को लेते हैं, जिसको वो केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं, और इसी एनर्जी को स्टोर करने के लिए ATP, राइट, क्योंकि एक्चुअल में हमें ATP जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है हमारी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी के लिए। वैसे ही प्लांट्स को भी ATP की रिक्वायरमेंट रहती है उनकी एक्टिविटीज के लिए। तो देखिए, वो जो फूड स्टोर करते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और नहीं, ग्लूकोज को वो तो बनाते हैं, एंड देन ग्लूकोज को फिर हम ये बोले स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को मेनली फिक्स करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो फूड बना है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उस फूड को प्लांट्स खुद भी कंज्यूम करते हैं, उससे ATP जो है उसको जनरेट करते हैं, और उस ATP का यूज जो है वो होता है किसी भी एक्टिविटी के अंदर। सेम कंडीशन हमारे लिए भी है, क्योंकि हम जो है वो प्लांट्स को खाते हैं, तो इस वजह से प्लांट्स के अंदर जो हम ये बोल रहे जो फूड है उनका, तो वही वही चीजें जो है वो हमारे अंदर क्या होती है, डाइजेस्ट होती है, और हमें भी लास्ट में वही मिलना है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमारे अंदर भी होना है। यस, बिल्कुल, कि हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, बट जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी सेल के अंदर हम ये बोलते हैं कि वो जो ग्लूकोज होता है उसी का ब्रेकडाउन होता है। बट ये जो ब्रेकडाउन होता है, ये ग्लूकोज जब टूटता है, और ग्लूकोज के टूटने से ATP का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ये एक्चुअल में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि हम एरोबिक है, राइट। हम लोग रेस्पिरेशन जो कर रहे हैं, हम क्या होते हैं, हम ऑक्सीजन को ब्रीद करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। वैसे ही प्लांट्स भी ऑक्सीजन जो है उसको लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं इन द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, और ये जो ऑक्सीजन को वो लेते हैं इसका वो यूज करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। लेकिन ये तीन अलग अलग पाथवे के थ्रू जो है ये ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और ATP जनरेट होती है। याद रखिए, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से डायरेक्टली कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, जिसका यूटिलाइजेशन जो है हम किसी एक्टिविटी में करते हैं, बजाय इसके ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है, हम ये बोल रहे हैं, उसको ATP के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और ATP जो है वो स्टोर कौन से ऑर्गेनेल में होता है सेल में, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तभी तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें ATP स्टोर होता है, यानी कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के अंदर जिन तीन हम पाथवे, तीन साइकिल के बारे में या पाथवे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो उनमें से कोई ना कोई है जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी परफॉर्म होता है, जिसकी वजह से वहां पे ATP बनती है और वहीं स्टोर हो जाती है। देन वो ATP हमारी किसी भी एक्टिविटी के लिए, उस ATP का फिर क्या होता है, ATP जो हम ये बोले कि तीन, हम बोल रहे हैं कि फॉस्फोइस्ट जो है एस्टर बॉन्ड जो बन रहे हैं, उनके टूटने से फिर जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूटिलाइजेशन होता है डिफरेंट एक्टिविटीज में। यानी ATP टूटता है तब जो एनर्जी निकलती है वो डायरेक्टली यूज होती है डिफरेंट एक्टिविटीज में, बट ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से निकलने वाली एनर्जी डायरेक्टली किसी एक्टिविटी में यूज नहीं होती, उसके लिए पहले ATP का फॉर्मेशन होना होता है। तो रेस्पिरेशन जो है वो है हमारा आज का टॉपिक, और आप लोग देखेंगे ये रेस्पिरेशन जो हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो केवल हम प्लांट्स के अंदर, यस हम लिख रहे हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बट ये एक्चुअल में इसी तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो हो रहा है वो रेस्पिरेशन हमारे अंदर और हमारी सेल्स में भी होता है, ठीक है। तो यहां जो हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे वो सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि केवल प्लांट में ही नहीं, हर लिविंग सेल में इसी तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जो एरोबिक होती है सेल्स। एन एरोबिक के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, एन एरोबिक में फिर एक डिफरेंट पाथवे होता है, उसके बारे में भी हम इस आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए रेस्पिरेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन से नॉर्मली हम ब्रीदिंग जो है वो समझते हैं कि ब्रीदिंग जो है क्या, हम उसी को रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। तो ब्रीदिंग इज ए, हम ये बोल रहे हैं कि वन इवेंट विच इज परफॉर्म्ड इन रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या होता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को हम रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, बट वो भी क्या है, उसको भी हम डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि यस रेस्पिरेशन हमने इसको बोल दिया, वो एक तरह का सेलुलर रेस्पिरेशन है, क्योंकि सेल में वो चीज हो रही है, बट सेल में जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना होगा, ऑक्सीजन जो है वो अंदर आनी होगी। तो प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोगों ने एनिमल्स के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया है कि हम तो पर्टिकुलर एक ब्रीदिंग, हम ये बोलते हैं कि हमारे अंदर पूरा सिस्टम प्रेजेंट है,
तो हम हमारे लंग्स जो है वो ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उसका हम ये बोले कि एक्सहेल कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्लांट्स के अंदर क्या है, प्लांट्स की जितनी भी सेल्स होती हैं आप जानते हैं, लीफ जो होता है लीफ के अंदर हम ये बोले स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और स्टोमेटा के अंदर ये गैसेस एक्सचेंज होता है। इसी के थ्रू स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम के ऊपर हम बोलते हैं बार्क जब प्रेजेंट होती है जो कवर करके रखती है स्टेम को, उसमें लेंटिसेल प्रेजेंट होते हैं जहां पर भी ये एक्सचेंज होता है बिल्कुल, यानी कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो इनमें भी प्रेजेंट है। एंड देन हर सेल जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन पर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलता है। प्लांट्स के अंदर सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली हम ये बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हो रहा होता है डे टाइम के अंदर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है। अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने की जो हम बोलते हैं कि अगर हम बोले कि ज्यादा अगर वो अगर किस कौन सी गैस जो है उसको यूज करते हैं प्लांट्स, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उनका मेन काम जो है वो है एक्चुअल में फूड मेकिंग, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसको वो मेनली परफॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन जो है बिल्कुल फॉर द रेस्पिरेशन, उनको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए चूंकि एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है तो इस वजह से वो गैसेस एक्सचेंज भी होता है, बट कंपेरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा यूज करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो देखिए सिंपली रेस्पिरेशन, और यहां पे हम बात कर रहे हैं कौन से रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो वहां अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज जो होता है उसका हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसमें क्या निकलेगी एनर्जी निकलेगी, और ये एनर्जी जो है किस फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में होगी, और ये एटीपी जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर रहते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो एटीपी के अंदर बने हुए फास्फोएस्टर बॉन्ड जो है उनका वो टूटते हैं और उनके टूटने से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। यहां पे एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए अगर आप समझेंगे तो एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, देखिए 6, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे 6, ठीक है, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, और वाटर के कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे 6, ठीक है। तो ये है आपकी सिंपल इक्वेशन जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है, और यही नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन की जो हम इक्वेशन है सभी सेल्स के लिए हम ये बोलते हैं कि ऐसी ही होती है। एरोबिक कंडीशन में बात करें तो एरोबिक जो सेल्स है उन सबके अंदर यही कंडीशन होती है, ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को यूज करता है अपने ब्रेकडाउन के लिए और उससे 6 कार्बन के मॉलिक्यूल और 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं और यहां पर एटीपी जो है वो एटीपी जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो इसके अंदर 3 साइकिल जो है हम ये बोले 3 साइकिल जो है वो हम बोलते पाथवे जो है वो परफॉर्म होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है टीसीए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है टीसीए साइकिल, और तीसरा जो होता है वो होता है ईटीसी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो थर्ड जो है वो पाथवे होता है जिसके थ्रू एटीपी फॉर्मेशन होता है। तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं पहली बात, और तीनों के अंदर एक्टिविटी भी अगर जब आप स्टेप्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा तीनों जगह अलग अलग फिनोमेना परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, सबसे पहली चीज ग्लाइकोलिस है क्या, ग्लाइकोलिसिस में वर्ड अगर देखोगे तो ग्लाइको का मीनिंग होता है शुगर, लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन यानी टूटना, यानी ग्लूकोज का टूटना जो कि हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस जो है क्या वो कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, तो हम कहेंगे नहीं, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है ग्लूकोज का यहां पे हम बोल सकते हैं कि पार्शियल जो है ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन है, ठीक है। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन से मतलब होगा जब ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा निकलेगा, तब हम उसको बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल कंप्लीट उसका क्या हो गया ब्रेकडाउन हो गया। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस में बिल्कुल शुगर का ब्रेकडाउन होता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो ये एक्टिविटीज करवाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, रीजन क्या है क्योंकि एम्बडेन मेयरहॉफ एंड पार्नस इन 3 साइंटिस्ट ने हमें ग्लूकोज के इस ब्रेकडाउन के बारे में बताया। अब देखिए ये ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये परफॉर्म कहां होता है, तो जो सेल होती है और उस सेल का जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म के अंदर आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है ये परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस है क्या, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन हम बोल सकते हैं कि हो रहा है, बट याद रखिए हम बोल रहे हैं क्या ऑक्सीडेटिव, हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, राइट।
तभी तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहा है। बट यहां अगर जब आप ये पूरा प्रोसेस देखेंगे ग्लाइकोलिसिस, यहां कहीं पे भी ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एनएरोबिक अगर सेल है और अगर कोई एरोबिक सेल है, जितनी भी सेल्स है उन सब में ग्लाइकोलिसिस तो होता ही होता है। उसके आगे के पाथवे जो है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, आपको साइकिल देखोगे तो आपको समझ में आएगा किसी में वो प्रेजेंट है तो किसी में वो अब्सेंट होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस सभी में, जितनी भी सेल्स है उन सभी में परफॉर्म होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और मिलता क्या है, पाइरूविक एसिड, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस से पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्या कंप्लीट ब्रेकडाउन बोल रहे हैं हम इसको, नहीं ईएमपी पाथवे बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन साइंटिस्ट ने इनको क्या किया है, इस प्रोसेस के बारे में हमें पूरी स्कीम के बारे में बताया है। ग्लाइकोलिसिस कहां परफॉर्म होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है, इसको सभी सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा। ग्लाइकोलिसिस जो है एंजाइम मेडिएट, पूरा का पूरा एंजाइम जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 10 स्टेप्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, यानी जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है, पाइरूविक एसिड मिलता है। लेकिन पूछा जाए कितने पाइरूविक एसिड, तो दो पाइरूविक एसिड, जब एक ग्लूकोज टूटता है तो दो पाइरूविक एसिड मिलते हैं, ठीक है। यहां तक आप याद रखेंगे, ऑक्सीजन का कहीं पे भी आप यूज नहीं देखेंगे, यानी ऑक्सीजन अभी यहां पे इस प्रोसेस में काम में नहीं आ रही है, इसीलिए एनएरोबिक सेल्स के अंदर भी ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो जहां जहां एनसीईआरटी ने जो जो चीजें मेंशन की है वो भी आपको ध्यान रखनी है, बट वहां पे एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख दी है कि ये जितने भी 10 स्टेप्स हैं ये एंजाइम मेडिएट है, अलग अलग तरह के एंजाइम जो है वो क्या करवाते हैं, ये पूरा का पूरा ब्रेकडाउन प्रोसेस करवा रहे हैं, बट सभी एंजाइम्स के बारे में एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है। तो यस ऑफकोर्स जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको केवल याद रखने से मतलब है तो वो उन एंजाइम्स को याद रख सकता है, और जिस किसी को भी समझने से मतलब है ताकि वो उसको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहे, तो उसके पूरा चार्ट कंप्लीट करके फिर उसको आप पढ़िए तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा। देखिए ग्लूकोज जो है, यहां पे जरूरी नहीं ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी हो सकता है, ठीक है, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज जो भी हमारी हेक्सोज शुगर है वो हेक्सोकाइनेज, देखिए क्योंकि हेक्सोज है तो हेक्सोकाइनेज, काइनेज क्या करता है, काइनेज एंजाइम जो होता है फास्फोराइलेशन करवा रहा है, ठीक है। तो फास्फोराइलेशन का मतलब क्या हो गया, अभी देखिए वो सब जो हमारा ग्लूकोज है उसमें क्या कर रहा है, फॉस्फेट को एड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये फॉस्फेट यहां पर मिला कहां से, एटीपी के ब्रेकडाउन से। तो यहां देखोगे कि यहां पर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए एक एटीपी जो है उसका यूटिलाइजेशन हुआ, ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बना, देन यहां पे ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो है वो आइसोमरेज एंजाइम, क्योंकि आइसोमर है ना फ्रक्टोज, तो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बन जाता है। यहां पर कोई भी तरह का जो है हम बोल रहे हैं एटीपी का ना तो यूज हो रहा है ना एटीपी बन रहा है, ठीक है। फिर फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉट, सॉरी फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट जो है उसमें कन्वर्ट हो रहा है, अगेन काइनेज एंजाइम है, ठीक है। काइनेज फिर क्या कर रहा है, 1,6 बिस्फॉस्फेट का मतलब ये हुआ कि अभी 6 कार्बन वाली शुगर है तो छठे नंबर पे पहले तो क्या है, फॉस्फेट जुड़ा ही है कार्बन पर, फर्स्ट नंबर कार्बन पर भी अभी क्या हो जाएगा, एक फॉस्फेट और जुड़ गया, तभी हमने उसको क्या बोल रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। एक ही सेम कार्बन पे जुड़ा होता है तब हम बोल देते हैं डाई, पर यहां पे बिस बोला तो समझ जाइए कि दोनों अलग अलग कार्बन पे जुड़ा है और नंबरिंग भी करी दी है तो उससे तो और भी क्लियर है, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट का फॉर्मेशन जो है वो बनता है। अब यहां पर देखिए फिर से एक एटीपी जो है उसको यूज में लिया जा रहा है, ठीक है। तो दो स्टेप्स याद रखिए क्लियर कट, कहां एटीपी जो है वो यूज आया है, तो एटीपी का यूज आया है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते टाइम और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट बनते टाइम एटीपी यूज हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यही फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट जो है एल्डोलेज एंजाइम जो है इसकी प्रेजेंस के अंदर ट्रायो शुगर के अंदर क्या हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। यहां पर दोनों ट्रायो शुगर मिल रही है हमें, ग्लिसरेल्डिहाइड भी मिल रहा है और उसके साथ में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी मिल रहा है। फॉस्फेट जुड़ा है तो आप समझ जाइए कि ग्लिसरेल्डिहाइड जो है वो क्या है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और यहाँ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फेट तो दोनों में ही अलग अलग कार्बन पे जुड़े थे, ब्रेकडाउन हो गया तो इसमें भी फॉस्फेट जुड़ा है, इसमें भी फॉस्फेट जुड़ा है, ठीक है। तो एल्डोलेज एंजाइम ने ये ब्रेकडाउन किया और ट्रायो शुगर मिली, देखिए दो यहां पे हमें मॉलिक्यूल मिल गए हैं ट्रायो शुगर के, दोनों ही डिफरेंट तरह की है बट ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकती है, आइसोमरेज एंजाइम, क्योंकि दोनों आइसोमर है ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है ग्लिसरेल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप है और यहां पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर कीटोन है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप आपस में आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये भी ग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर ही कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमें मिला क्या, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, यहां पे फॉर्मेशन हो गया है। अब ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, अब ये इसमें फॉर्मेशन होगा किसका, 1,3 बिस फॉस्फो
ग्लिसरिक एसिड का, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है ये हाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, बट यहां याद रखने वाली बात ये है कि एनएडी जो है उसका रिडक्शन हो रहा है और एनएडीएच प्लस एच जो है ये आयन का फॉर्मेशन यहां हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर ये जो है ईटीएस के अंदर ये चला जाएगा, ठीक है। एनएडी जो है ये एटीपी बनाते हैं, एक एनएडीएच से हमें मिलते हैं 3 एटीपी, ठीक है। तो 3 एटीपी जनरेट करने के लिए यहां एनएडी जो है चला जाएगा किसके अंदर, ईटीएस साइकिल के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर चलती रहती है, जहां पर ये जितने भी एनएडी है या फिर एफएडी है या फिर जीटीपी, सॉरी एफएडी है, एनएडी है, तो ये क्या करते हैं, ये वहां जाकर एटीपी फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। तो वहां से एटीपी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहां तो डायरेक्टली एटीपी बन ही रहा है, तो जहां डायरेक्ट बनेगा वहां पे हम डिस्कस करेंगे, और जहां डायरेक्ट एटीपी यूज आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ जो है वो वहां ईटीएस के अंदर जाकर वहां पर क्या करते हैं, एटीपी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो एनएडी यहां से ईटीएस के अंदर चला जाएगा। चलिए उसके बाद में हम बोल रहे हैं कि ट्रायोज, ये सॉरी 1,3-bisphosphoglyceric जो एसिड है ये काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर देखिए अब ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है किसका, 3-phosphoglyceric एसिड का। देखिए 3-phosphoglyceric एसिड जो बन रहा है यहां पे इस पूरे प्रोसेस के अंदर एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए यहां पे एटीपी बन रहा है, लेकिन यहां एटीपी कितने बनेंगे, 2। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहां पे जब बना के देखिए यहां पे आप अगर चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए यहां पे 2 मॉलिक्यूल हमें मिल गए थे, 2 मॉलिक्यूल मिले तो अगले भी हमें क्या मिले, 1,3-bisphosphoglyceric एसिड जो मिल रहा है वो भी क्या है, उसके भी हमें मॉलिक्यूल कितने मिले, 2। तो यहां पर जो हमें मिलेगा 3-phosphoglyceric एसिड उसके भी मॉलिक्यूल कितने मिले, 2। तो दोनों मॉलिक्यूल जब ये बन रहे होंगे तब यहां पे एटीपी भी कितने बनेंगे, 2, ठीक है। तो यहां 2 एटीपी जो है वो हमें यहां पे मिल गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 3-phosphoglyceric एसिड म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर फॉस्फोग्लिसरेट में, एंड देन फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो इनोलेज की प्रेजेंस के अंदर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए इस प्रोसेस में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जब बनेगा तो यहां से पाइरुविक एसिड बनेगा, और वो पाइरुविट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर जो पाइरुविक एसिड बना रहा है यहां पर भी एटीपी फॉर्मेशन होगा, और एटीपी कितने मिलेंगे हमें यहां पे, 2। तो देखिए यहां पे हमें 2 जगह 2-2 एटीपी मिल रहे हैं, एक जब फॉर्मेशन हो रहा है 3-phosphoglyceric एसिड का, और एक जब पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां 2-2 एटीपी मिल रहे हैं, तो टोटल एटीपी कितने मिले, 4, ठीक है। लेकिन 2 एटीपी यहां यूज भी हो रहे हैं, तो नेट गेन अगर आपसे पूछा जाए कितने एटीपी यहां पे हमें मिल रहे होंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, तो हमें केवल 2 का ही फायदा हो रहा है, क्योंकि 2 तो हम यहां यूज भी कर रहे हैं। अगर टोटल नेट गेन के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे अगर देखा जाए तो 4 एटीपी बन रहे हैं और 2 एटीपी का यूज हो रहा है, और इसी के साथ 2 एनएडीएच जो है उनका फॉर्मेशन भी यहां पर हो रहा है। आपको याद क्या रखना है, आपको एक तो ये पूरे 10 स्टेप्स जो है वो याद रखिए। देखिए यहां पर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं हो रहा, तो यहां पे अगर आप कोई सी एंजाइम को याद नया भी रखें तो चलेगा, क्योंकि म्यूटेज ने यहां पे ग्लिसरेट बनाया, इनोलेज ने यहाँ पे पाइरुवेट बनाया, ठीक है। तो ये जो चेंज हो रहा है यहां पर इतना, यहां पर कोई एटीपी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, और ना ही कोई एटीपी का यूज हो रहा है, ना एनएडीएच का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस वजह से जब ये यहां पर नहीं रिलीज हो रहे ना बन रहे हैं, तो इस वजह से हम ये बोल रहे हैं कि ये आप यहां पे याद ना भी करें तो चलेगा, बट जो स्टेप्स में जहां एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है वो याद रखने जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं और बनते भी हैं, ठीक है। इसी के साथ में जब आप एंजाइम याद रखते हैं तो आपको ये भी समझ में आता है, जब हमने एंजाइम्स पढ़े थे तो वहां पे हमने कैटेगरीज पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन पढ़ा था एंजाइम्स का, तो हम लोगों ने कुछ क्लासेस के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे एग्जांपल्स भी लिए थे। तो काइनेज जो एंजाइम है वो फास्फोराइलेशन करवा रहा है, लेकिन उस चीज के लिए अच्छा एग्जांपल समझने के लिए यहां पे है। हर चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो वो उन चीजों को आप कनेक्ट करके ज्यादा विजुअलाइज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म आपको याद रहेगा। चलिए तो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हुआ, 10 स्टेप में हो रहा है, कितने एटीपी मिल रहे हैं और कितने एटीपी का यूज हो रहा है, और कहां पर ये देखिए ईटीएस से कनेक्टेड है, एनएडीएच का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब चीजें याद रखने वाली बातें हैं और आपको इनको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से बना पाइरुविक एसिड, कितने मॉलिक्यूल, 2। अब ये पाइरुविक एसिड जो है ये 2 तरीके के पाथवे ले सकता है, या तो एनएरोबिक पाथवे, अगर एनएरोबिक किसी सेल के अंदर ये अगर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हुआ है तो, और अगर एरोबिक पाथवे, अगर ये एरोबिक सेल के अंदर अगर ये ग्लाइकोलिसिस उनकी सेल में हुआ है तो, जैसे कि हम हैं, हमारी सेल्स जो है वो एरोबिक है, ऑक्सीजन जो है वहां पे उनको अवेलेबल होता है, तो ये जो पाइरुविक एसिड है अब ये आगे हम ये बोल रहे हैं कि क्रेब साइकिल के अंदर एंटर करेगा। लेकिन अगर एनएरोबिक है कोई सेल, जैसे कि कई है, हम अगर हम बात करें फर्मेंटेशन की बात करें, तो ईस्ट सेल जो होती है वो
ऑक्सीजन उनको ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर, हम ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये जो बना है आपका पाइरूविक एसिड, इस पाइरूविक एसिड को, ये पाइरूविक एसिड जो बना है, इस पाइरूविक एसिड को वो कन्वर्ट कर देते हैं, उससे मिलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में अल्कोहल। तो अल्कोहल बनने को, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से अल्कोहल, फिर यहाँ पे फर्मेंटेशन, एक नया वर्ड हमारे पास में आ जाता है कि फर्मेंटेशन क्या है। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, शुगर से अल्कोहल का फॉर्मेशन, ठीक है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में। ऑक्सीजन यहाँ पे यूज में नहीं आएगी बट कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब देखिए, आप ईस्ट है, आप आटा गूंथते हैं पिज्जा विज्जा बनाने के लिए, डो बनाते हैं, तो उसमें आप देखते हैं ना बबल्स आ जाते हैं ईस्ट के साथ में जब आप आटा लगाते हैं, क्योंकि वहां पे फर्मेंटेशन हो जाता है आटे का। रीजन क्या है, रीजन ये होता है ईस्ट सेल्स क्या करती है, एनोरेबिक रेस्पिरेशन करती है, वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा देती है इथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बबल्स के फॉर्म में क्या होती है आटे के अंदर, वो उसको स्पंजी सा बना देती है। ऐसा ही ब्रेड में भी होता है। तो भाई यहां से आप इस चीज को याद रख सकते हो। तो यहां पर क्या याद रखने वाली चीज है, यहां याद आपको ये रखना है कि ये जो पाइरूविक एसिड बनेगा, ये पाइरूविक एसिड जो है वो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या हो गया, टूट गया है। तो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर होगा, ये आपको याद रखना है। तो एंजाइम जो यहां पे काम आ रहा है वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ZN। याद आ रहा है कुछ, हम लोगों ने एंजाइम्स के अंदर मेटलिक आयंस के बारे में पढ़ा था कि मेटल आयंस जो होते हैं वो कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, राइट। वहां पे जिंक के बारे में, ZN के बारे में पढ़ा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए कोफैक्टर है। तो ये देखो यहां आ गया है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो पाइरूविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है, इसकी हम ये बोल रहे हैं कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यहां पे याद रखिए एनएडी जो है वो एनएडीएच जो है उस वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एनएडी के अंदर। तो एनएडीएच जो है वो यहां पे काम में लिया जा रहा है। इसी के साथ में कुछ एनएरोबिक, हम बोलते हैं हमारी मसल्स जो होती हैं वहां पर कभी कभी जब क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, तो उस कंडीशन के अंदर ये पाइरूविक एसिड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एक्टिविटी होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो पाइरूविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अगेन एनएडीएच जो है, जो रिड्यूस्ड है, उसका क्या हो रहा है, वो अब एनएडी प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है यहां पे। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो एनएरोबिक प्रोसेस जो है वो पाथवे ले सकता है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी सेल के अंदर, तो ये जो पाइरूविक एसिड है ये अब एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया वो है जो किसी भी रेस्पिरेशन करने वाली, जो हमारी जितनी भी सेल्स हैं, जो ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। रीजन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है और वो एटीपी को स्टोर करता है। तो जो सेल जितनी ज्यादा एक्टिव होगी मेटाबॉलिकली, उसको उतनी ही एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी तो इट मीन्स उसके पास में उतने ही ज्यादा क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रख सकते हैं यहां पर ये चीज। और आप जानते हैं कि जब हमने मसल्स पढ़ी थी तो वहां पर भी हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर ज्यादा है किसमें कम, ठीक है। तो मसल्स के अंदर हम लोगों ने बोला था ना माइटोकॉन्ड्रिया भी काफी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, ज्यादा होते हैं। चलिए, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन हम किसको बोल रहे हैं, अब जो पाइरूविक एसिड बना है, इस पाइरूविक एसिड का क्या होना है आगे, हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर अब इसका ऑक्सीडेशन होना है, ठीक है, और एटीपी फॉर्मेशन होना है। लेकिन ये प्रोसेस किस में होगा, ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरूविक एसिड डायरेक्टली खुद एंटर नहीं करता, वो एक्चुअल में एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन कब होता है, एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है जब कोएंजाइम ए, यहां पे देखिए कई कोफैक्टर हैं, यहां पे एंजाइम कौन है, पाइरूविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। पाइरूविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए कोफैक्टर है यहां पे कोएंजाइम एनएडी और मैग्नीशियम आयंस, इसके साथ में कोएंजाइम ए। तो पाइरूविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोएंजाइम ए के साथ में मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहां पे रिलीज होगी। और देखिए NADH और H प्लस, यहां पे फिर देखिए हमें मिल गया NADH, और ये NADH जो है अब चला जाएगा कहां पे, ETS के अंदर जाएगा, है ना। और वहां पे ETS के अंदर जाने के बाद में क्या करेगा, ये भी तीन एटीपी फॉर्मेशन करने का काम करेगा। तो तीन एटीपी देखिए हमें यहां पर भी मिलेंगे। तो याद रखिए यहां पर ये एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है पाइरूवेट किसके प्रेजेंस में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर। और ये एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में परफॉर्म होगा क्रैब्स साइकिल,
ठीक है, तो याद रखिए एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो एंटर करेगा कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां पे परफॉर्म करेगा क्रैब्स साइकिल। क्रैब्स साइकिल जो है वो साइंटिस्ट के नेम पे है, वैसे इसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए तो ये देखिए पाइरूवेट जो है वो क्या कर रहा है, कोएंजाइम के साथ में मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम बना रहा है, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी रिलीज हो रहा है, और एनएडी जो है वो एनएडीएच एनएच प्लस के अंदर देखिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहां देखेंगे तो पाइरूवेट के कितने मॉलिक्यूल थे भाई, दो, तो दो मॉलिक्यूल है, तो एसिटाइल कोएंजाइम के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, दो, और यही दो मॉलिक्यूल जो है क्रैब्स साइकिल के अंदर क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो आप इनटू टू भी कर सकते हो यहां पे, यानी यहां पे एनएडीएच जो है वो कितने हो रहे हैं, टू, दो यहां पर बनेंगे, यहां पर दो बनेंगे तो कितने हुए एटीपी, छह एटीपी यहां पर बन गए हमारे पास में। चलिए फिर उसके बाद में देखिए अब यहां पे आगे डिस्कस करते हैं। तो अब एसिटाइल कोएंजाइम में ये देखिए, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, और ये एक डायग्राम हम अलग से लेके हैं, रीजन ये है कि यहां पे एंजाइम्स के नेम जो है वो आपके एनसीईआरटी ने नहीं दिए, इस वजह से जितने भी एंजाइम्स यहाँ पे काम में आ रहे हैं, क्योंकि एक लाइन लिख के एनसीईआरटी तो हट जाता है, वो कहता है कि ये एंजाइम मीडिएट रिएक्शंस है, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंजाइम जो है ये पूरे साइकिल को परफॉर्म करवाते हैं, तो भैया कौन से एंजाइम जो है परफॉर्म करवाते हैं, फिर अचानक से उठाकर आप जब ईटीएस बता रहे होते हो तो वहां पे बोल देते हो कि भाई सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो सक्सीनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है, तो बच्चा कैसे समझेगा भाई, साइकिल में तो आपने फ्यूमरेट लिखा ही नहीं है, यहां तो फ्यूमरेट कहीं नहीं आ रहा है, तो फ्यूमरेट आया कहां से, कंप्लीट साइकिल होगा तभी तो समझ में आएगा। इसीलिए कंपेरिजन के लिए और आपकी समझ के लिए हम दोनों डायग्राम्स को यहां लेकर आ गए हैं। चलिए अभी देखिए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में क्या होता है, तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो एक चार कार्बन वाला हमारा पास में मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो क्या कर रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ में मिलकर फॉर्मेशन कर रहा है किसका, सिट्रिक एसिड का। देखिए यहां पे सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सिट्रिक एसिड जब फॉर्म हो रहा है यहां पर तो आप देखो ये आगे अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और इस दौरान एनएडी से एनएडीएच प्लस एनएडीएच जो है उसका एनएडीएच टू का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है यहां पर सिट्रिक एसिड के, तो दो ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकलेंगे, और दो ही मॉलिक्यूल हमें किसके मिलेंगे, एनएडीएच टू के मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे इंटू टू आप हर कंडीशन के अंदर कर सकते हो क्योंकि दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, बट ये प्रोसेस सिट्रिक एसिड से अल्फा ग्लुटेरिक एसिड बनने का ऐसे ही नहीं होता, इसमें कुछ और भी स्टेप्स हैं, जैसे कि सिट्रेट सिंथेटेज ने सिट्रेट सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट किया, देन सिट्रिक एसिड को एकोनिटेज एंजाइम ने आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में अल्फा ग्लुटेरिक एसिड के अंदर कन्वर्जन हुआ। लेकिन यहां इस स्टेप के अंदर ना तो कोई एटीपी यूज में आई है, ना कोई NADH2 का फॉर्मेशन हुआ, ना ATP का फॉर्मेशन हुआ, चूंकि इस जानकारी, क्योंकि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या ATP फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, कितने ATP हमें मिलेंगे किसी भी एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, ये जानना है, तो इंपॉर्टेंट चीजों को मेंशन करते हुए एनसीईआरटी ने हमें प्रोवाइड किया है। चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, सिट्रेट से अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड जो है वो हमें बताया, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है केवल NADH2 का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकलता है, वो हमें यहां पर बता दिया गया है। तो टोटल गेन हमें यहां पे इस पूरे स्टेप के बीच का बताया गया है एनसीईआरटी में, जबकि ये साइकिल कंप्लीट नहीं है। फिर देखिए अल्फा क्यूटोग्लुटेरिक एसिड जो है वो सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और इस दौरान भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो यहां पे कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, दो, तो दो मॉलिक्यूल देखिए यहां कार्बन डाइऑक्साइड के निकल रहे हैं, ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल यहां निकले, दो यहां निकले, और दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहां निकले। नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा कि ब्रेकडाउन जब हुआ ग्लूकोज का तो कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, छह, तो देखिए छह मॉलिक्यूल हमें यहां पे मिल गए हैं। पूरे जब भी हमने साइकिल पढ़े तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यही बताया गया है। ग्लाइकोलिसिस में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, इस बारे में हमें बताया ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई चीज जो है ना वो रिलीज होकर बाहर नहीं निकल रही है सेल से, अभी तो ग्लूकोज जो है ब्रेकडाउन होकर पाइरूविक एसिड बना है, और वो पाइरूविक एसिड खुद भी किसी और साइकिल के अंदर एंटर कर गया है इस वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां से रिलीज हो रही है वो तो क्या हो रही है, सेल से बाहर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलती जा रही है, इसीलिए उसको बाहर निकलते हुए बता दिया गया है आपको, ठीक है, क्लियर हो रही है बातें। अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, यहां पर भी देखिए NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, अगेन कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, टू, दो हमें यहां पे मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए इसी के साथ में GTP भी फॉर्मेशन हो रहा है, GDP से GTP का फॉर्मेशन हो रहा है, और GTP का मतलब होता है इक्वल्स टू वन ATP, यानी एक GTP लिखा तो यानी कि एक, उसका मतलब क्या हो गया, ATP। ये सक्सेनिक एसिड
मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और यहां पर भी हमें मिला क्या, FADS2। ठीक है, अभी देखिए ये FADS2 जो है, ये एक FADS2 से हमें दो ATP मिलते हैं, गेन जो होता है हमें दो ATP का होता है। तो यहां हमें कितने मिल रहे हैं, क्योंकि दो 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 इंटू कर रहे हैं, तो यहां पर भी हमें कितने मिलेंगे FADS2 के दो मोलिक्यूल। तो टोटल कितने ATP मिलेंगे, यहां पे हमें चार ATP मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए। बट ये सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड नहीं बन रहा है सीधा ही, सक्सेनिक एसिड से आप याद रखिए कि यहां पर हमें बीच में एक स्टेप ध्यान रखना चाहिए कि यहां पे फ्यूमरेट जो है उसका फॉर्मेशन भी हो रहा है, और यहां पर जो एंजाइम काम आ रहा है वो है सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि एक्चुअल में एंजाइम जो होता है वो एसोसिएटेड रहता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से, इनर मेम्ब्रेन से। माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि आप लोग समझते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर मैं बनाऊं आपको, मैं बताती हूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये हम क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा ही होता है। तो ये जो रीजन है इसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं, इस रीजन के अंदर क्या हो रहा है, क्रैब साइकिल परफॉर्म हो रहा है, जबकि यहां जो मेम्ब्रेन होती है जहां ETS चल रहा होता है यहां पर जो है एसोसिएटेड रहता है सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड है ये। ठीक है, जो एक्चुअल में यहां पे सक्सेनेट को फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए हम वो साइकिल को मेंशन किया है, वरना आपको कॉन्सेंट्रेट आपके NCERT के डायग्राम पे ही करना है। तो सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड बना, FADS2 का फॉर्मेशन हुआ है, मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का हम बोलते हैं रीजनरेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये फिर से एसिटाइल को एंजाइम जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा और फॉर्मेशन करेगा किसका, सिट्रिक एसिड का। ठीक है, खुद ये चार कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम दो कार्बन वाला है, तो सिट्रिक एसिड जो है छह कार्बन वाला जो है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इजी भी है आपको लर्न करना। और इस प्रोसेस में भी NADH2 का फॉर्मेशन देखिए यहां पर भी हो रहा है। ठीक है, तो देखिए NADH2 का फॉर्मेशन कितनी जगह हुआ, तीन जगह। FADS2 का फॉर्मेशन कितनी जगह हुआ, एक जगह। ठीक है, और देखिए GTP का फॉर्मेशन कहां हुआ, एक जगह पर यहां पर फॉर्मेशन हुआ है। इस पूरे प्रोसेस को आप जब याद रखते हैं तो आपको टोटल ATP यहां से कितने मिलेंगे, अभी यहीं पे नहीं मिल गए हैं, इनको तो अभी जाना है और ये ATP फॉर्मेशन करवाएंगे कहां, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे। डायरेक्टली ATP नहीं मिली है हमें यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पर कितनी ATP मिलेगी, देखिए तीन मिलेगी आपको यहां पर, तीन तीन एक दो तीन, तो तीन तीन एक दो तीन, ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, और इनटू आप जब टू करेंगे तो आपको मिल जाएंगे क्रैब साइकिल के अंदर कितने ATP मिले, तो तीन तीन एक दो तीन, आप टोटल करें तो कितने हुए, तीन तीन छह तीन नौ दस ग्यारह बारह, बारह हमें यहां पर क्या मिल रहे हैं, ATP मिल रहे हैं। इंटू टू करोगे तो कितने हो जाएंगे, चौबीस, 24 में आप प्लस कीजिए, फिर यहां पर हमें कितने मिल रहे हैं, छह, तो 24 और छह अगर आपने किए तो कितने हो गए, 24 और 6 करते 30। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे हमें टोटल नेट गेन कितने ATP का हुआ था, दो। ठीक है, और फिर वहां पर भी NADH2 का फॉर्मेशन हुआ था और कितने मॉलिक्यूल, वो भी थे दो, यानी टोटल कितने, 6, यानी कि 8 ATP ग्लाइकोलिसिस से आए, 6 हमारे पास में यहां आए, 24 हमारे पास में पहले से थे, तो टोटल ATP कितने फॉर्म हो रहे हैं साइकिल के अंदर, 38। लेकिन जो डायरेक्ट ATP हमें मिल रही है उसको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा ये जो NADH2 है या FADS2 है ये सब हमें ATP फॉर्म करेंगे, लेकिन यहां नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर वहां जाने के बाद में वहां पर ये क्या करेंगे, ATP का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो टोटल नेट गेन जब हम पढ़ेंगे इस ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का तब हमें पता चलेगा कि कितने ATP मिले हैं, लेकिन ये मैंने कैलकुलेशन आपको पहले ही करके बता दी है। ठीक है, आपको बताने के लिए, तो कितने ATP हो गए भाई, यहां पे दो इंटू दो दो मॉलिक्यूल करना है, लेकिन यहां पे देखिए तीन ATP यहां, तीन यहां, एक यहां, दो यहां, तीन यहां, तो तीन 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 एक दो तीन याद रखते हैं, तो इससे याद रह जाएगा आपको टोटल जो है वो कितने हुए, 12 क्रैब्स मिले, पर ये कितने मॉलिक्यूल हैं, दो 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 मॉलिक्यूल हर बार मिल रहे हैं, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से दो 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 ही तो बनेंगे, यहाँ पे पाइरूविक एसिड भी दो आए, फिर उनसे भी आगे हर प्रोसेस में इसमें क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल मिलते रहेंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, और ये जो इंटरमीडिएट रिएक्शन है जो कनेक्ट कर रही है ग्लाइकोलिसिस को और क्रैब साइकिल को, इस रिएक्शन के अंदर हमें 6 ATP कम मिलेंगे, और अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो वहां पर हमें 6 तो हमारे NADH2 की वजह से बनते हैं, लेकिन वो भी कहां है, ग्लाइकोलिसिस में नहीं बनते हैं, वो भी क्या करता है, NADH2 एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे जो ATS साइकिल परफॉर्म होता है
वहां पर वो एटीपी फॉर्मेशन करेगा। तो वहां पर वो कितने करेगा, क्योंकि दो एनएडीएच2 थे इसलिए छह वो भी है हमारे पास में, तो कितने हो गए 36 और दो एटीपी हमें नेट गेन जो हमारे ग्लाइकोलिसिस का हुआ है क्लियर कट, तो 38। तो क्या अगर मैं ये बात बोलूं कि 38 के 38 एक ग्लूकोज के हमें ब्रेकडाउन से क्या 38 के 38 हमें एटीपी मिलते हैं, तो वो बात कहनी गलत होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि ये स्टेप कंटिन्यू कि पहले ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हुआ देन क्या होगा क्रैब साइकिल कंप्लीट होगा, तो फिर उसके बाद में फिर वो एटीएस में जाके एंटर करेंगे और वहां एटीपी जनरेट कर देंगे तो 38 नेट गेन हो गया। ऐसा नहीं होता। देखिए ये सभी प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। इनके इंटरमीडिएट ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी किसी और बायोमोलिक्यूल पाथवे में एंटर करते रहते हैं। पर जब हम क्लियर कट की बात करें और हम पूछें कि क्या एक्चुअल में हमें कितने एटीपी जो है मिलते हैं, तो हमें कहते हैं 36 हम वहां पे एटीपी के बारे में बात करते हैं कि 36 एटीपी जनरेट होते हमें मिलते हैं एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, क्योंकि दो एटीपी का हम ये कह सकते हैं कि हमें नुकसान भी हो जाता है क्योंकि यहां पर एक्टिविटीज चल रही है। ठीक है, इसी के साथ में याद रखिए हर मॉलिक्यूल जो है हर स्टेप हर साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ये साइमल्टेनियस है, एक टाइम पे चलते रहते हैं और हर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट बायोमोलिक्यूल पाथवे में भी एंटर कर सकता है। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखिए। और क्रैब साइकिल के तो जितने भी हैं यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं, तो इनमें से मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट दूसरे बायोमोलिक्यूल के फॉर्मेशन में जरूर रोल प्ले करते हैं और उनसे जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो वो एंटर करते रहते हैं उसमें, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये हुआ टीसीए साइकिल। टीसीए के बाद में आ जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जिसको बोल रहे हैं। देखिए अभी तक ऑक्सीजन नहीं आया है, जबकि ऑक्सीडेशन बोलते हैं हम, बोलते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर देखिए अभी तक ग्लूकोज को यूज नहीं किया, ऑक्सीडेशन वहां नहीं हुआ, अभी तक ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, अपने ग्लाइकोलिसिस पड़ा वहां पर भी नहीं हुआ, इसीलिए हमने एनएरोबिक बोल दिया। क्रैब साइकिल के अंदर भी देखिए अभी तक ऑक्सीजन जो है ना वो यूज में नहीं आया है, लेकिन अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ऑक्सीजन का यूज कहां पे आ रहा है। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन इसलिए बोला है क्योंकि एडीपी से हम ये बोल रहे हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन चूंकि हो रहा है, चूंकि एटीपी यहां फॉर्म हो रहा है तो फास्फोईस्टर बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम इसको फास्फोराइलेशन बोल रहे हैं। ऑक्सीडेटिव बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का यहां पे यूज हो रहा है। तो ये है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां परफॉर्म होता है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो उसकी जो ये इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये परफॉर्म होता है। आप जानते हैं सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, कुछ कुछ जो ऑर्गेनेल है उनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि एक क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के दौरान, वहां पर भी डबल मेम्ब्रेन थी आउटर व इनर, उनके बीच में पेरी हम बोलते हैं कि इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस होता है वो प्रेजेंट होता है, यहां पर भी इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है वो प्रेजेंट है। एक आउटर मेम्ब्रेन बनाना चाहूं तो ये लो मैं एक आउटर मेम्ब्रेन भी बना देती हूं, तो ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो रीजन है पूरा का पूरा ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स पोर्शन जहां पे क्रैब साइकिल परफॉर्म हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो ईटीएस साइकिल है वो कहां परफॉर्म हो रहा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर परफॉर्म हो रहा है। यहां पर कितने तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं जो पार्ट लेते हैं, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे एक्चुअल में प्रोटीन ही प्रेजेंट होती है, तो यहां पर जो आपके हम ये बोल रहे हैं कि जो यहां पर ये प्रोटॉन जिसके थ्रू जो है मैट्रिक्स से इंटर आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो एंटर कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू में जा रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के थ्रू ही जा रहे हैं। तो ये जो प्रोटीन है वही उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं प्रोटीन जो होते हैं वही एंजाइम की तरह फंक्शन करती है, यानी कि यहाँ पे एंजाइम्स भी प्रेजेंट है डिफरेंट तरह के, और ये जो प्रोटीन है ये कॉम्प्लेक्स बना रही है, कॉम्प्लेक्स शब्द इसीलिए इसको दिया गया है। तो यहाँ पे पांच तरह के कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, पांच तरह के कॉम्प्लेक्स यहां प्रेजेंट होते हैं। ये जो चीज है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये काम किस पे करता है, ये काम करता है कि जो प्रोटॉन है, क्योंकि NADH2 क्या है, वो NADH2 प्रोटॉन ही तो लेके आया, FADH2 क्या है, वो प्रोटॉन ही तो लेके आया, तो वो जो हाइड्रोजन आयन को लेके आया है वो हाइड्रोजन आयन को यहां पर रिलीज कर देगा। ये रिलीज जो है वो देखिए कॉम्प्लेक्स वन है, कॉम्प्लेक्स वन जो होता है वहां पे एक्चुअल में FMN एंड FES प्रेजेंट है, तो यहां पर क्या होता है NADH डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, ये NADH2 से प्रोटॉन को क्या कर दिया, अलग कर दिया और NAD में कन्वर्ट कर दिया।
प्रोटोन जो है अब यहां से क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स वन से जाएगा कहां, ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहां जाएगा। जब ये प्रोटोन यहां जाएंगे उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड होंगे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, एफएमएन से एफईएस में, एंड देन जो है इनके बीच में यूबिक्विनोन जो प्रेजेंट होते हैं, जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्या करते हैं यही इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ भेजने का काम करते हैं, तो ये यूबिक्विनोन को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देंगे, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बोला गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर, और हर कॉम्प्लेक्स से अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई एंजाइम एसोसिएटेड है, और वो एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, जो प्रोटोन लेके आए एफईडीएस2 या एनएडीएस2 उनको वहां पर रिलीज करवा रहे, और वही प्रोटोन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर एंटर कर रहे हैं। देन ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स वन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री, और कॉम्प्लेक्स थ्री कौन सा है, साइटोक्रोम बीसी वन। यहां पर साइटोक्रोम बीसी वन जो है वही साइटोक्रोम बीसी वन के अंदर इलेक्ट्रॉन आया है, उसी के साथ में देखिए यहां पर एक और कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है यहां पर होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यही है जो क्रेब्स साइकिल के अंदर जुड़ा है, जो सक्सीनेट को फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट करवा रहा है। तो जब ये कन्वर्ट कराएगा तब भी क्या होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, यूबिक्विनोन क्या करेगा उसको कॉम्प्लेक्स थर्ड को देगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड में वही है कि जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहां पर क्या आ जाएंगे, दो दो प्रोटोन है, वो प्रोटोन भी क्या है आपके कॉम्प्लेक्स थर्ड से कहां एंटर कर रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एंटर कर रहे हैं। देन यहां पर एक स्पेशल हम बोल रहे हैं साइटोक्रोम सी जो है वो प्रेजेंट होता है, ये साइटोक्रोम सी जो है ये हम ये बोले ये वो प्रोटीन है जो क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर को पहुंचाने का काम करती है। कॉम्प्लेक्स फोर का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स फोर का नाम होता है कॉम्प्लेक्स ए ए थ्री। ये कॉम्प्लेक्स ए ए थ्री जो है यहां पर साइटोक्रोम ए और ए थ्री के पास में ये जो कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिसको लेके कौन आएगा, साइटोक्रोम सी लेके आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास में आएंगे अगेन प्रोटॉन जो है वो एंटर करेंगे कहां, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। लेकिन देखिए यहां पर क्या है, यहां देखिए ऑक्सीजन जो होता है हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज में आता है जो दो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। देखिए यहां वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ और पहली बार ऑक्सीजन जो है वो यहां पर यूज में आया है पूरे प्रोसेस के अंदर, इसीलिए इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज देखिए यहां टर्मिनल सबसे एंड के अंदर हुआ है। चूंकि प्रोटॉन कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एंटर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से एक ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, प्रोटॉन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, जब इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो कॉम्प्लेक्स फाइव जो है जो क्या होता है एटीपी सिंथेटेज, एक तरह का एंजाइम ही है ये, ठीक है। तो यहां पर वही आपके F1 पार्टिकल्स हैं, ये F1 पार्टिकल्स में वही आप देखोगे तो F0 जो इनका बेस है और F1 जो इनका ये देखिए ये हेड रीजन है, तो ये जो आउटर आपके इंटर माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस में जितने भी प्रोटॉन थे तो वहां से प्रोटॉन जो है वो एंटर करेंगे किधर, आपके मैट्रिक्स रीजन के अंदर उस ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए। जब ये यहां पर एंटर करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, वहां पे एटीपी सिंथेटेज एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन करवाएगा, तो यहां देखिए एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए वही चीज है, यहां से एनएडी जब एक एनएडी एनएडीएस2 जो है वो टूटेगा तो यहां पर कितने एटीपी जनरेट होंगे, तीन एटीपी, ठीक है। जब दो अगर एक FADS2 जो है वो यहां पर एंटर किया तो कितने यहां पर हमें मिलेंगे, तब हमें यहां पे मिलेंगे दो ATP, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स वन से अटैच्ड है किसका, यहां पे कहां से प्रोटॉन आ रहे हैं, NADS2 से आ रहे हैं। साइटोक्रोम थर्ड जो है आपको यहां पर FADS2 जो है उस सर यहां पर हमें मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, एटीपी जो है वो यहां पे वो एंटर करेगा एटीपी फॉर्मेशन के लिए। और कॉम्प्लेक्स जो हमारा फोर है जिसको यहां पर जो है वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, यहां ऑक्सीजन जो है उसका यूटिलाइज होगा। और कॉम्प्लेक्स फाइव जो है वो एक्चुअल में एटीपी जनरेट करेगा, ये एफ वन पार्टिकल्स है ऑक्सीसोम्स जो मैट्रिक्स जो हम बोलते हैं ना टेनिस के रैकेट जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ये एफ वन जो इसका हेड रीजन हेड जो इसका पार्ट है वो मैट्रिक्स साइड के अंदर होता है। तो एटीपी का फॉर्मेशन किधर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पोर्शन के अंदर, और वहां पे एटीपी इकट्ठी होती है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि वो जो जनरेटेड एटीपी है उसको इकट्ठा करके रखता है जिसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे डिफरेंट एक्टिविटी में, हम ही नहीं प्लांट्स भी करेंगे, क्योंकि यहां पर हम दोनों के बारे में ही बात कर रहे हैं। चलिए फिर आ जाते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में कि क्या केवल शुगर का ही जो है वो ब्रेकडाउन होता है, नहीं ऐसा नहीं है।
फैट एंड प्रोटीन जो है वो भी हमें जो है एटीपी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन देखिए कैसे करेगा, याद रखिए फैट डायरेक्टली या प्रोटीन डायरेक्टली तो हमें जो है एनर्जी नहीं देगा, फैट का भी क्या होता है ब्रेक डाउन होता है, मिलता है क्या फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये हमने बायोमोलिक्यूल पढ़ते टाइम भी पढ़ा है। और जब प्रोटीन जो है वो किसके पॉलीमर है, एमिनो एसिड्स के, तो प्रोटीन जब टूटेगा तो क्या मिलेगा एमिनो एसिड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल जो है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट के अंदर, यहां एंटर करता है और एंटर कर जाता है ग्लाइकोलिसिस में, देन फिर साइकिल वैसा ही होगा सेम टू सेम, पाइरुविक एसिड बनेगा, देन पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाएगा, वहां पर फिर वो बनने वाले जितने भी NADH2 FADH2 हैं वो सभी ETS में जाकर ATP जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये एंटर कैसे करेगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तो एंटर कहां से कर रहा है, यहां पे एंटर कर रहा है। वैसे अगर फैटी एसिड को देखोगे तो फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम जो है ए इसका फॉर्मेशन कर रहा है और फिर वो एंटर कर रहा है किसके अंदर, आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर रहा है। एमिनो एसिड को देखोगे तो एमिनो एसिड से पाइरुविक एसिड बनेगा एंड देन फिर वो एंटर कर जाएगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर। सेम टू सेम अगर कभी ऐसी कंडीशन हो जाए कि फैटी एसिड वापस जनरेट करने है या फिर एमिनो एसिड वापस बनने है, तो क्या होगा, इन्हीं के इंटर जो हम बोलते हैं ना कि इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको फॉर्मेशन इनका फॉर्मेशन करवा देते हैं वापस से। तो देखिए फैटी एसिड वापस कैसे बनेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वापस से क्या कर सकते हैं, फैटी एसिड बना सकते हैं। हम लोगों ने जब एमिन जो पढ़ा था, हम लोगों ने जब अमोनिया का फैट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे भी हमने पढ़ा था कि अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड से एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। आप जानते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के फॉर्म में बनता है अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड, तो वो क्या कर सकता है एमिनो एसिड को फॉर्म कर सकता है, यानी कि फैट एंड प्रोटीन भी इस साइकिल में एंटर कर जाएंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो वापस से फैट एंड प्रोटीन बनने के लिए यही इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो है फैट एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा देंगे। फैट एंड प्रोटीन डायरेक्टली कभी एटीपी जनरेट नहीं करेंगे, इनको जनरेट करने के लिए इन्हीं साइकिल के अंदर एंटर करना पड़ेगा और कहां से एंटर करेंगे वो भी आपके इस एम्फीबोलिक पाथवे में दिया गया है। तो ये चार्ट बहुत ही अच्छे से डिजाइंड है, अगर इसको गौर से आप याद करते हैं तो बहुत आसानी से हर बात याद हो जाएगी। चलिए रेस्पिरेटरी कॉन्सेंट ये किसको बोलते हैं, ये होता है रेशो, रेशो जो है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है और जितना ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं उसके रेशो को ही हम क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी कॉन्स्टेंट बोलते हैं RQ बोलते हैं। तो RQ की वैल्यू क्या है वो जानने के लिए हम इस तरीके से इस फॉर्मूला से रेशो निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बनी है और वो वॉल्यूम ऑक्सीजन की जो कंज्यूम हुई है, जब इसका रेशो निकालते हैं तो हमें RQ की वैल्यू मिल जाती है। दो एग्जाम्पल आपके NCERT ने दिए, एक ग्लूकोज की RQ वैल्यू और दूसरी एक फैटी एसिड है ट्रिपालमिटिन उसकी RQ वैल्यू। तो देखिए ग्लूकोज की RQ की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन 6 CO2 अगर बन रही है तो 6 ऑक्सीजन जो है वो यूज में आ रही है। लेकिन अगर ट्रिपालमिटिन की बात देखोगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं 102, जबकि कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर काम में लिए जा रहे हैं 145। तो यहाँ पे RQ की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 0.7। अगर देखो इसी फॉर्मूला से एक चीज आप ये भी देख सकते हो कि क्यों हम ग्लूकोज को सबसे पहले यूज करते हैं फॉर द एनर्जी, है ना, हम क्यों उसको यूटिलाइज करते हैं। आप देखो एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए हमें सिर्फ 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट थी, जबकि एक फैटी एसिड ये देखो ट्रिपालमिटिन जो है इसके ब्रेकडाउन के लिए हमें 145 ऑक्सीजन, ये कितना महंगा सोर्स हो गया एनर्जी लेने का। अगर यहां देखोगे तो ग्लूकोज जो है वो कितना चीप सोर्स है, तो जो जितना सस्ता होगा उसी को तो हम यूज करेंगे ना, इसीलिए हम ग्लूकोज को सबसे पहले क्या करते हैं उसको हम कंज्यूम करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं फैट को कंज्यूम करते हैं और सबसे लास्ट में हम प्रोटीन को करते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो वैसे भी बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन तो वैसे स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो सबसे एंड में प्रोटीन को यूज करते हैं अगर ह्यूमन की बात करें तो। तो ये चीज तो आपको यहां पे देखिए ये इक्वेशन आपको ये चीज भी समझा जाती है। तो ये है रेस्पिरेशन के बारे में कंप्लीट। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पूरे वीडियो पे बेस्ड है हमारे नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चंस, जिनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं। चलिए फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, ये है आपके फॉलो अप क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चंस हैं जिनमें से ये आपको चार्ट जो डायग्राम जो आपको पाथवे जो दिया गया है वो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और ये सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों का, और इसी के साथ में 3 और क्वेश्चन है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और इसी के साथ साथ में आप हमारा शेड्यूल भी फॉलो कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।